हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तो अज आप पहुँचे हैं जन्म स्थान श्री गुरु अंगद देव जी के गुरद्वारा साहब, जो कि सराय नागा दे विच बनया होया। तो तुहानू इहदी लोकेशन दस दी, एक कोटकपुरा टू मुकसर रोड आ, इधर कोटकपुरा तो इस साइड ते हैगा मुकसर। सो ये विचाले पिंड पैंदा जी सराय नागा। तो इहदी लोकेशन है गुरद्वारा साहब की। तो बहुत वड्डा गेट बनया होया जी मेन ते, तो इनू दूसरा ननकाणा साहब भी कहा जाता है। तुसीं आ देखो लिखा होया, आओ चलीए दूजे ननकाणे, गुरद्वारा जन्म स्थान श्री गुरु अंगद देव जी। क्योंकि दूसरी पातशाही जी का गुरद्वारा सी, तो पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी जिन्हां दा जन्म स्थान ननकाणा सी, सो इत्थे दूजे पातशाही दा जन्म स्थान है। तो इहदा आ रस्ता जांदा सीधा। चलो आपां चलदे हां गुरद्वारा साहब। सो इस गेट तो अंदर चल के अद्धा किलोमीटर अगे जाके डबल रोड बनी हुई है, गुरद्वारा साहब नूं स्पेशल यही रोड जाती है। तो आ देखो तुसी एक गेट अगे भी बनया है गुरद्वारा साहब का। तो अगे जाके फिर दो रस्ते हो जाते हैं जी, एक गुरद्वारा साहब नूं चला जाता, तो एक रस्ता पिंड वल नूं चला जाता, पिंड सराय नागा वल नूं। सो आप आ गए जी गुरद्वारा साहब के अंदर। तो लैफ्ट हैंड साइड पर पार्किंग बनी है, तो पार्किंग गड्डी ला के तो फिर आप चलते हैं गुरद्वारा साहब के अंदर। हाँ जी, सत श्री अकाल सारयां नूं। अज के ब्लॉग तुहाडा स्वागत है। तो अज आप पहुंचे हैं जन्म स्थान पातशाही दूजी श्री गुरु अंगद देव जी दे, तुहानू गुरद्वारा साहब दिखाउणे आ, ते नाल तुहानू दस्सांगे इत्थों दे इतिहास बारे भी की इत्थों दा इतिहास। तो आओ चलदे आ गुरद्वारा साहब दे अंदर। सो तुसीं देखो, ये आ गुरद्वारा साहब की मेन एंट्री। तो इस दे नाल ही इत्थे इमारत की उसारी का कम चल रहा है, नाल पार्किंग। इस साइड है दरबार साहिब। सो ये है जी श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म स्थान, जो कि साढ़े सिखां दे दूसरे गुरु सन। तो इतिहास मुताबक यह भी दसया जाता कि श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को भाई फेरू मल जी और माता निहाल देवी की कुखों पिंड मत्ते की सराह च होया सी। सो अजकल इसनू सराय नागा का नाम दिता है। पहला यह जिला फिरोजपुर च पैंदा सीगा, बट हुण यह मुकसर साहिब दे विच आ गया है। सो हुण तुहानू आपां लैके चलदे आं अंदर, ते कराउणे आ दर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे। तो तुसी देखो गुरद्वारा साहब दे जो पर मत्था टेक के बाहर आने ते सामने बनया हुआ सरोवर। अजे इत्थे पत्थर का काम भी चल रहा है, तो काफ़ी सरोवर बहुत वड्डा बनया हुआ इस गुरद्वारा साहब का। तुसी देखो काफ़ी दूर तक। सो हुण आपां तुहानूं एक वारी नीचे चल के नेड़े तो सरोवर दिखा दिंदे आ। सो इतों देखो तुसी व्यू गुरद्वारा साहब का, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इतों। तो
वैसे इतने उसारी का काम चल रहा है। तुम देखो आ पत्थर भी हमने लगाया इन्होंने, तो उपरली साइड पर जो पत्थर लग रहा है वो रगड़ाई का काम भी फिलहाल हजे चल ही रहा है। इस तरह बनाया निशान साहिब। साइड गुरद्वारा साहब के कोई जगह जिते सब्जियां वगैरह लगाई जा रही। गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़ के देखते हैं तो यह गुरद्वारा साहब कोटकपुरा टू मुकसर रोड पर पिंड सराय नागा दे विच बनया होया। तुसी दूरों देखो शायद दिखाई दे रहा वे, सामने रोड हैगी जी ये इत्थे, ते ओ गेट बनया होया गुरद्वारा साहब का मेन जिहड़ा रोड के उत्ते है। तो उस तो बाद काफ़ी अंदर नूं आके यह गुरद्वारा साहब बनया होया। इस साइड पर आप जो बाहर आने की राइट हैंड साइड पर गुरद्वारा साहब के इस साइड पर लंगर हॉल बनया, तो तुम इतने देख सकते हो गुरद्वारा साहब का इतिहास लिखा हुआ। दरबार साहब के इधर बिल्कुल नाल इन्होंने दीवान हॉल बनाया हुआ। जो भी इतने कोई दीवान लगता तो संगतान फिर इतने रुकने के लिए इतने बिस्तर वगैरह दिते हुए हैं, तो रेस्ट कर सकते हो। सो इस साइड लंगर हॉल बनया जी, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी धर्म पत्नी माता खीवी जी के नाम से ही माता खीवी जी लंगर हॉल बनाया इधर। प्रॉपर व्यू देखो गुरद्वारा साहब का। सो हुण आपां चलदे हां जी वापसी, तुहानूं बाहर तो एक वारी दिखावांगे गुरद्वारा साहब की जिथे मेन एंट्री सी। सो जो बाहर जाने जी गुरद्वारा साहब के तो सामने रस्ता जाता पिंड वालू, तो अंदर पिंड के गुरद्वारा साहब बनया हुआ एक गुरद्वारा चरण कमल पातशाही दसवीं जी का। सो एक बार थोनों फिर तो आप बाहरों गुरद्वारा साहब जी का मेन गेट दिखा दिए जिहड़ा रोड तो एंट्री हुंदी है। तो बाकी जे थोनों अज का व्लॉग चंगा लग्या लाइक कमेंट ते शेयर जरूर करो।